देखिए यहाँ पर एस सी प्लस वन वाई सी बराबर थ्री है तो इतना का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, थ्री की इधर लाएंगे तो सी माइनस थ्री होगा, सी माइनस थ्री होगा और यहाँ पर माइनस वन बाई सी हो जाएगा, यानी कि सी माइनस थ्री की जगह वन बाई सी धरेंगे तो ये और इस कट जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो यहाँ पर रखेंगे तो कट जाएगा तो जीरो आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है यानी कंपेयर कर देना है तो एक्स का मान सी हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं कैसे वन बाई सी प्लस सी, तो यानी सी का मान क्या होगा सी और वन बाई सी आंसर होगा, समझ में आएगा सी होगा और वन बाई सी होगा। चलिए इसके बाद थ्री में, थ्री में क्या करना है एलसीएम ले लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर फोर रूट थ्री गुना कर देंगे एक्स से तो फाइव एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और फोर रूट थ्री की जगह पर फाइव एक्स रख देंगे तो बारह एक्स ऊपर हो जाएगा सात और पाँच एक्स बारह एक्स हो जाएगा। अब बट्टा में है एक्स स्क्वायर पाँच माइनस एक्स है तो वो एक्स से वो एक्स कट जाएगा ऊपर बारह बच जाएगा, आप पाँच माइनस एक्स की जगह पर क्या रख, यानी कि एक्स इंटू पाँच माइनस एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं फोर रूट थ्री, यानी कि इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यानी कि बारह बट्टा फोर रूट थ्री तो ये काट देंगे तो तीन रूट तीन बटा रूट तीन आ जाएगा तो इसको रूट तीन कहते हैं, तो यानी रेशनलाइज करेंगे तो रूट तीन आ जाएगा तो तीन आंसर हो गया, समझाएंगे रूट तीन आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया अब चार, चार में क्या करना है याद रखना जब ऐसा रहता लेकिन ये छः रूट में रहना चाहिए यानी कि छत्तीस यहाँ पर यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है टू इंटू ए प्लस बी बटा ए माइनस बी होता है, टू इंटू ए प्लस बी बटा ए माइनस बी होता है। तो छत्तीस और इक्कीस को जोड़ देंगे तो संतावन गुने दो बटा घटाएंगे छत्तीस से इक्कीस जाएगा तो पंद्रह कर देंगे तो उन्नीस आएगा, उन्नीस दो अड़तीस बटा पाँच आएगा, पाँच या पंद्रह तो अड़तीस बटा पाँच यानी कि भाग करेंगे तो कितना आएगा सात पॉइंट सिक्स आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सात पॉइंट सिक्स आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या करना है, देखिए एक्स माइनस वन कर देंगे इधर दस, दस प्लस तीन रूट ग्यारह हो जाएगा, अब वन बाई एक्स करेंगे तो घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपका बीस चला आएगा और दो घटाएंगे तो अठारह, तब इसका रूट ले लेना क्योंकि पावर कम में आ रहे हैं, यानी पावर जैसे मान लीजिए स्क्वायर से कम में आ रहे थे अठारह के तो हो जाएगा तीन रूट दो आंसर आ जाएगा जब इसका रूट करेंगे तो, क्योंकि पावर घट रहा है इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान रूट टू दे दिया हुआ है तो ये कोई नहीं सॉल्व कर लेना है, यानी एक्स का वैल्यू एक्स के पावर फोर का वैल्यू कितना होगा माइनस वन होगा, एक्स के पावर फोर का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका फॉर्मूला होता है जीरो, यानी एक्स स्क्वायर एक्स यानी के स्क्वायर माइनस टू होता है तो टू माइनस टू यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो तो जीरो जीरो से जीरो फोर, अच्छा इसको सॉल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात में जब इतना का वैल्यू दिया हुआ है तो जस्ट स्क्वायर कर देना है, इसका फार्मूला होता है जब एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है के तो पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर तो इसका वैल्यू होता है के स्क्वायर माइनस टू होता है, यानी सोलह के स्क्वायर कितना होता है दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन में से दो घटाएंगे दो सौ चौवन आ जाएगा, यानी सब मौखिक सवाल है बिना पेन उठाए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, एट में क्या करना है जस्ट डिवाइड कर देंगे तो इक्कीस में से इक्कीस घटेगा तो पावर कितना हो जाएगा इक्कीस, क्योंकि भाग में पावर घटता है तो एक्स के पावर इक्कीस बटा वन बाई पावर इक्कीस होगा, जब भी राशि करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जस्ट घटाना है तो बयालीस हो जाएगा, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा तो सात का स्क्वायर कितना होता है चौदह, सात का स्क्वायर होता है कितना उनचास, उनचास में से दो घटेगा सैंतालीस आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मौखिक क्वेश्चन है सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन में फिर क्या करना है वही करना है, मतलब कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा अति इक्कीस इक्कीस यानी जोड़ देंगे तो कितना ग्यारह ग्यारह तो बाईस हो जाएगा, बाईस का स्क्वायर कितना होता है बाईस का स्क्वायर होता है आपको चार सौ चौरासी, चार सौ चौरासी में से दो घटेगा तो चार सौ बिरासी आ जाएगा, तो सिंपल है ईजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसे यहाँ पर दे दिया हुआ है रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स
का वैल्यू देते तो यानी स्क्वायर करना है, जैसे जस्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू, यानी जस्ट इसका स्क्वायर करना है। देखिए एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, तीन का स्क्वायर कितना, नौ नौ से दो जाएगा सात होगा, यहाँ पर ये एक्स फॉर्म में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कहने का सेंस मेरा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स आ जाएगा, इसका वैल्यू सात आ जाएगा, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सात का स्क्वायर उनचास में से दो घटेगा सैंतालीस, एलसीएम ले गया तो लीजिएगा सैंतालीस इधर लगेगा तो जस्ट ई फॉर्म चलाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। जैसे देखिए इसका वैल्यू, जैसे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिए तो एक्स का पावर फोर होगा, यहाँ पर वन बटा इधर सैंतालीस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो इसमें से सैंतालीस एक्स स्क्वायर इधर सैंतालीस लाएंगे, वन उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए यानी कॉमन ले लेना है, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस सैंतालीस, एक्स का पावर फोर है सैंतालीस एक्स स्क्वायर है, तो वन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सैंतालीस बचेगा बराबर माइनस वन बचेगा, माइनस वन माइनस वन इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका आंसर माइनस अति कितना होगा, माइनस वन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिए, पी का वैल्यू सात है तो वन बाई पी कितना होगा, यानी जस्ट इसका उठ का है, साथ साथ जोड़ देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साथ साथ चौदह, चौदह के स्क्वायर कितना होता है एक सौ छियानवे में से दो घटा देंगे तो एक सौ चौरानवे, जस्ट सोलह। एक मात्र क्वेश्चन सुन मौख ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बारह, बारह में क्या है देखें, बारह में आपका हो गया यानी रूट ई ए, इसको रूट में लीजिएगा तो चार होगा, दो का चार तो एक बार जोड़ देना है तो दो गुने सात घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दो में से चार मतलब एक आएगा, सात गुना चौदह आएगा, कितना आएगा चौदह आएगा, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चौदह, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा चौदह, चौदह का स्क्वायर कितना होता है चौदह का स्क्वायर एक सौ छियानवे, एक सौ छियानवे से दो घटेगा एक सौ चौरानवे, एक सौ चौरानवे, लेकिन ए बी का मान एक होगा, जब इसको गुणा कीजिएगा तो काटा पीटी में जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू एक होता है, इसीलिए तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तो यहाँ पर एक सौ पंचानवे आंसर आ गया। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौदह, क्वेश्चन नंबर चौदह में क्या है देखिए, फिर इसको रूट में ले लेना है, घटा देना है, जस्ट मतलब घटाएंगे तो देखिए रूट तीन में जिन्हें इसको रूट तीन में लेना है ना, तो इसको स्क्वायर कीजिए सबसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस ए बी आ जाएगा, यानी यही फॉर्म आ गया, तो कितना हो जाएगा, दो जोड़ देंगे तो तीन के स्क्वायर नौ बटा दो से दो कट जाएगा सात आएगा, यानी तीन नौ सात सोलह, सोलह का स्क्वायर कितना होता है दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन में से दो सौ छप्पन में से दो घटेगा दो सौ चौवन, दो सौ चौवन, दो सौ चौवन, यहाँ पर माइनस ए भी होगा क्योंकि प्लस है तो माइनस एक घटा देंगे और तो दो सौ तिरपन चला आएगा, यही आपको याद रखना है। तो होगी क्वेश्चन नंबर पंद्रह में देखिए, पंद्रह में क्या करना है, जिस यहाँ पर दे दिया हुआ है यानी इस पाँच, यानी एक मिनट जोड़ देना है, आठ दो गुने आठ और पाँच में से आठ तीन घटेगा तो दो कट जाएगा, आठ आठ के स्क्वायर कितना होता है चौंसठ, चौंसठ में से दो घटेगा तो चौंसठ में से दो घटेगा तो कितना होगा, चौंसठ में से दो घटेगा तो आपका हो जाएगा बास, चौंसठ से दो घटेगा तो बासठ होगा, चौंसठ चौंसठ में से दो घटेगा तो बासठ, बासठ आ गया, तो बासठ का क्या करना है, बासठ बासठ में से ऊपर एक बार जोड़ देना है एक तो तिरसठ, एक बार घटा देंगे तो बासठ में से इकसठ यानी तिरसठ बटा इकसठ आंसर आ गया पंद्रह के। देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह, सोलह में क्या, मतलब जस्ट वही है, तेरह दो गुने तेरह चौबीस हो जाएगा और तेरह में से दो घटेगा यानी घटा देंगे स्क्वायर करके तो दो दो से दो कट जाएगा चौबीस, चौबीस के स्क्वायर चौबीस,
मतलब एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 24 आ गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 24 चलाया, कितना 24 चलाया। तो यहाँ से आपको पूछा है थ्री, यानी कि 3x2। तो यानी कहने का सेंस है इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको एक ठाम लिख लेंगे तो तीन कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर 24 का स्क्वायर सबसे पहले कर देंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 में से दो घट जाएगा तो 574, 74 गुने तीन करना है और माइनस पाँच कर देना है, एक्स वाई का मान एक हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसे भी काट सकते हैं, वन बाई एक से दिया तो पाँच घटाना है तीन से गुना करके, तो चार या बारह, बारह में से दो घटेगा, सात यूनिट डिजिट साठ आना चाहिए, तो दो का ऑप्शन कट गया, फिर भी घटा लेते, चलिए बारह सात इक्कीस, इक्कीस एक बाईस, तो पाँच घटाना है तो यहाँ पर सात आ जाएगा और यहाँ पर ये एक हो जाएगा। तो सीधा अथी दो यूनिट डिजिट निकाल के आप चेक कर सकते हैं ना, तो पूरा गुना करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिर इसको क्या करना है आपको ले लेना है, वही है ए प्लस बी के ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर माइनस ए बी आएगा, फिर नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, यानी कि ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे तो तीन का स्क्वायर नौ, नौ सोलह, सोलह सोलह पेन दो, देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं दो गुने, दो गुने सोलह बटा तीन के स्क्वायर नौ, नौ में से दो तो सोलह, सोलह के स्क्वायर 256, 256 में से दो घटेगा 254, 254 ए स्क्वायर 254 आ जाएगा, 254 में एक बार एक घटा देना है एक जोड़ देना है तो 253 और 255 आ जाएगा, 253 255 एक घटाना है बटा में जोड़ देना है, तो ये आपका चलाया मतलब 17 तक कंप्लीट हुआ। 18 में क्या करना है, 18 में जस्ट ई स्क्वायर है यानी सिर्फ स्क्वायर देखना है, स्क्वायर फॉर्म में तो स्क्वायर एक हो 25 है तो ये हो जाएगा आपका, ये यानी देखो ये आपको स्क्वायर देख रहा है यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन वाई, वाई बट्टा एक्स ऐसे लिख लेंगे, तो मतलब ये प्लस वी के होल स्क्वायर है, स्क्वायर पे इसको कीजिएगा तो 25 आंसर आएगा। चलिए चलिए ना तो कर ये देते हैं सोल्व हम, दो गुने दो तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, दो गुने एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई इंटू दो, चार के क्या लिख सकते हैं, दो दो प्लस चार लिख सकते हैं, तो दो लिख चार लिख दिए यहाँ पर, दो साइड में लिख दिए, चलिए यहाँ पर एक्स वाई तो एक्स, एक्स प्लस एक्स बटा वाई बाई दो का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है, चलिए हटाए टाइम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पावर चार तक जाना, सीधा सिंपल स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करेंगे नौ, नौ में से दो जाएगा सात, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे सात के तो अति सात के स्क्वायर उनचास, उनचास में से दो जाएगा तो 44 आंसर सिंपल। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 20, 20 में क्या करना है, जस्ट इसका रूट लेना है, देखिए रूट तीन करके इसका वर्ग मतलब रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करें नौ यानी रेशनलाइज करेंगे तीन के स्क्वायर नौ, नौ नौ प्लस दो का स्क्वायर चार, चार दुना आठ, दो का स्क्वायर कितना होता है चार, चार चार दुना चार, चार 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 गुना दो आठ यानी कि 17, 17 आ जाएगा, पावर आठ तक जाना है ना, चलिए सबसे पहले रूट तीन से ऊपर नीचे करो, तीन का स्क्वायर नौ और आठ से डिफरेंस एक जाएगा तो तीन का, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा माइनस तीन का स्क्वायर नौ, आठ घट जाएगा तो एक आएगा, एक का एक ही रहेगा, एक का एक यानी कि एक्स का वैल्यू टू इंटू नौ प्लस
चार दुना आठ 17, यानी 9 दुना 18, 17 17 दुना 34 नहीं बने। चलिए छुरी हटाए, टाइम वेस्ट हो रहा। अभी सेल्फ कर लेना है, पीछे नंबर देखना होगा। पी का वैल्यू बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स से डिवाइड करेंगे रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर रूट एक्स हो जाएगा, माइनस वन बाई रूट एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये रूट से पाँच कट जाएगा तो इधर जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो ये का जुटेगा, पाँच का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 25 में दो जुटेगा तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक राउंड स्क्वायर 27 का स्क्वायर 784, 784 में से दो घटा देंगे 782, 27 के स्क्वायर से कितना होता है 729, 27 के स्क्वायर निकालना है 749, यानी दो घटा देंगे यही 729, यानी 729 होता है। 27 के स्क्वायर तो दो घटा देंगे तो 729 हो जाएगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट यहाँ पावर पर जाना है।